हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय शेयर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी के जानेंगे आप लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल को, और कल के मार्केट में आप लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। और ट्रेडर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम पर है, और ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चल रहा होता है वही ट्रेंड मार्केट लाइव मार्केट में ट्रेंड को फ्लो करता है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो बना डबल टॉप बन रहा था, और डबल टॉप बनता है तो आप लोग जानते हैं कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि पहले ब्रेक करवाया गया, और यहाँ जो ट्रैप किया गया है, जो थ्री कैंडल बना है यहाँ पर, यहाँ पे रिटेलर और इन्वेस्टर को क्या किया गया, ट्रैप किया गया कि हम लोग ब्रेकआउट दिलवा रहे हैं, और यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा है, और ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, और 40,000 का जो लेवल है इसको ये टच कर सकता है। लेकिन वैसा हुआ नहीं मार्केट में, और इससे यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके और यहाँ से एक रिवर्सल करवा दिया गया है मार्केट को। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि एक अच्छा पैनिक सेलिंग चल रहा है। अब क्या हो सकता है कि इसका क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है अगर आगे के मार्केट में बात करें, तो आप लोग यहां देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो बेयरिश एक कैंडल है, और ये ट्रेंड जो अभी है ये जारी रह सकता है। और ये जो लेवल है 37,200 का, 37,200 का लेवल जो है ये इस वीक में मार्केट इस लेवल को टच कर सकता है, और अच्छा हम लोग को एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम वहीं अगर बात करें अपर साइड का, तो अपर साइड इसके जो रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा वो 38,800 का लेवल को ये फेस कर सकता है रेजिस्टेंस के रूप में। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डाउन साइड ये मोमेंटम कंटिन्यूस जारी रखेगा। अब हम लोग अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अगर बात करें, तो ट्रेड्स आप लोग देख रहे हैं कि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन को ये क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है, और ब्रेक डाउन करने के बाद ये कंटिन्यूस मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज के जो मार्केट में ये 37,800 के लेवल को ये डाउन साइड में टच कर दिया है, और 38,000 के लेवल पर ये क्लोजिंग दे चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कल के मार्केट में, कल मार्केट कहाँ पे ट्रेड करना है, तो ट्रेडर्स आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, और यहाँ हम लोग आज सुबह के मार्केट में एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, और यहाँ ये जो लेवल था और ये जो हम लोग का सपोर्ट बन रहा था वो कितना का सपोर्ट था, तो 38,500 का जो लेवल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, जो डाउन साइड का एक मोमेंटम को कंटिन्यूस करने के लिए लेवल था। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो लेवल था ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट किया था लाइव मार्केट में। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने 10:55 पर आप लोगों को बताया था इस टेलीग्राम चैनल में कि आप यहाँ से एक डाउनसाइड के मोमेंटम निफ्टी बैंक बहुत ही अच्छा कर सकता है। और यहाँ मैंने अपना प्रोबेबिलिटी शेयर किया था आप लोगों के साथ कि 70% जो मेरा प्रोबेबिलिटी है वो डाउनसाइड का है, और 30% जो है अपर साइड मोमेंटम दे सकता है। लेकिन यहाँ पे डाउनसाइड ब्रेक हुआ, और डाउनसाइड ब्रेक होते हुए आप लोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि हाँ बैंक निफ्टी जो है वो डाउनसाइड ब्रेक कर दिया है, और आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं और अपना रिस्क और रिवार्ड के साथ। आप लोगों को मैं एक्सिस बैंक के बारे में पीछे भी आप लोगों को एक ट्रेड के लिए बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो एक डाउनसाइड मोमेंटम कर सकता है, और पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक्सिस बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि आप लोगों को एग्जिट करना है या होल्ड करना है। एग्जैक्ट वही लेवल से अगर 92 अगर ब्रेक होता है तो एक डाउनसाइड मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और 780 के लेवल को टच कर सकता है, और मार्केट में आज एक्सिस बैंक वही किया। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं निफ्टी बैंक में कि कल आप लोग कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये ब्रेक हुआ इस लेवल को, और कंटिन्यूस एक पैनिक सेलिंग जारी रहा, और जो मार्केट है 38,000 पर क्लोजिंग किया है। अब कल के मार्केट में आप लोगों को ये वेट करना है कि अगर कल के मार्केट में थोड़ा सा इस लेवल को बाउंस करता है तो बाउंस करके ये कहाँ तक जाएगा, तो ये खूब जा सकता है, ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 38,300
50 का जो ये लेवल है इसको ये रेजिस्टेंस के रूप में ले सकता है और वहाँ से फिर से एक डाउनसाइड मोमेंटम कर सकता है। और जो हम लोग का अगर नीचे में अगर सपोर्ट देखें, बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट की बात करें, तो आप लोगों को इधर पहला जो सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा 37,600 का सपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। अगर इसे ही ब्रेक करता है इस लेवल में आ करके यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो आप लोगों को 37,200 का लेवल आप लोगों को कल के मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।